सभी आपको लिए चलते हैं बराह रास्त अखवत फाउंडेशन के जरिए तमाम जरा यूनिवर्सिटी सब कैंपस टोबा में तकरीब का इनेकाद किया गया। फिर मैं इस्लामिया प्राइमरी स्कूल पहुंच गया। वो खस्ता हाल दरो दीवार और वो टॉर्च, आप मेरी बात सुनने देंगे कि नहीं? वो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी इंतहाई अकीदत है इस दरो दीवार से, इस मट्टी से और इन लोगों से। तो मुझे वो इस्लामिया प्राइमरी स्कूल के टूटे फूटे दरो दीवार और खस्ता हाल दरवाजे और जिसका रोशनदान भी नहीं था और वो मट्टी का फर्श अभी भी याद है। और मैं ये हमेशा याद रखूंगा क्योंकि मुझे मेरे उस्ताद ने पहला सबक यही दिया था कि जो लोग अपने माजी को भूल जाएं वो मुस्तकबिल को तस्खीर नहीं कर सकते। तो कमालिया मेरी रगों में, मेरे खून की एक एक बूंद में उसकी यादों की महक है। वहाँ के एक उस्ताद ने मुझे लिखना सिखाया, मेरे हाथ में कलम दिया और तख्ती दी और कहा कि लिखो। जो शेर उन्होंने मुझे लिख के दिया, मुझे कहने लगे कि इसके ऊपर 10 दफ़ा कलम हर रोज फेरनी है और 1 साल तक ये काम करना है। तो मैं 1 साल तक तख्ती की उस कलम पर, उनके लिखे हुए शेर पर वो कलम फेरता रहा। और वो जो शेर था उसके अंदर जो पैगाम था, उसके अंदर जो खूबसूरती थी, वो मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गई। वो शेर मेरा किरदार बन गया, वो शेर मेरी सीरत बन गया और मेरी सोच और फिक्र उसी शेर के आईने में ढलती रही। वो शेर था कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। यानी ये वो शेर है जिसने मेरा रिश्ता मवाखात मदीना से जोड़ा। तो बहरहाल कुछ अरसा मैं टोबा टेक सिंह में भी यहाँ के स्कूल में पढ़ता रहा और फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और फिर अमेरिका की कई अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़। लेकिन मैं जब भी मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी शख्सियत की तामीर में इस इलाके के असातिज़ा का और इस इलाके के अफराद का और इस मट्टी का बड़ा अहम किरदार रहा। तो मैं खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। मियाँ अशफाक साहब, इनके भाई मियाँ लतीफ़ साहब, इनसे मेरे वालदैन के बड़े गहरे मरासम थे, तो इस एतबार से मेरे लिए ये काफ़ी एहतराम है। और आज जिस मोहब्बत से इन्होंने यहाँ पर दावत दी और उनका तذکرہ किया, मैं उसके लिए इनकी दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो सोच वो फिक्र जो एक मुझे शायद आप में से किसी को याद हो, हमीदुल्लाह शाह हाशमी साहब एक उस्ताद थे, वो उन्होंने अदब से और शायरी से मेरा रिश्ता कायम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं उनको भी खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। कुछ बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, तालिब इल्म भी हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि अपनी कामयाबी में अपने असातिज़ा की मेहनत हमेशा याद रखें। ये वही हैं जिनका हुस्न नज़र आपको सितारों से उस पार देखने के लिए तैयार करता है और एक जस्तजू आपके जिस्म में, आपकी रूह में बेदार होती है कि आपने कैसे इस दुनिया में अपने लिए मुकाम हासिल करना है। तो मैं डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा आमना मुनीर का भी मशहूर हूँ कि सिर्फ चंद रोज कब, एक दो चंद हफ्तों के पहले की बात है कि वो अभी उधर नीपा में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने अख़ुबत की कहानी सुनाई। तो यकीनन ये कहानी ऐसी है कि हर दर्दमंद दिल पे दस्तक देती है। उनको भी ये कहानी अच्छी लगी और फिर कुदरत ने उन्हें आपकी खिदमत का जो मौका दिया, उस तवस्सुत से उन्होंने कहा कि वो अख़ुबत की इस संगे मील पर पहुँचने की खुशी में
कि हमने 100 अरब रुपयों के कर्जे जो लोगों को दिए, एक तकरीब यहाँ करना चाहती हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से उनका मशहूर हूँ। ये दरअसल उनकी बुलंद नजरी और आम आदमी से मोहब्बत की गमाज है ये ख्वाहिश कि उन्होंने अखुबत को यहाँ पर गुफ्तगू करने की दावत दी। ये नियाज पाक सब कह रहे थे कि वो पूरे पंजाब के बेहतरीन नाजम थे जब वो यहाँ पर लोगों की खिदमत करते थे, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मोहतरमा आमना पंजाब की बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर भी बनेंगी और फिर उसी रवायत को वो दोहराएंगी जो मियां अशफाक साहब ने जिसकी बुनियाद डाली। मैं आप सब लोगों का, इस यूनिवर्सिटी का भी मशहूर हूँ कि आपने पहले भी आपने मोहब्बत का इजहार किया, आप भी करते हैं, और जनाब सईद सईदी साहब ने 8 तकारीर में शिरकत की, तो ये भी एक खूबसूरत मंजर है कि लोग जो हैं वो दूसरों की खिदमत करना चाहते हैं। ख़ासतौर पर सियासी लीडरशिप जो है उनकी नज़र में सबसे अहम काम यह है कि गरीब के आंसू कैसे पूछे जाए। मैं इस मौका पर चंद बातें अख़ुबत के बारे में भी करना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी का एक अहम तरीन मिशन है। तो मैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ने के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, डॉक्टर बन गया, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मेरा जो मिलाने तवा था वो इसके मुताबिक नहीं था। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर तो मैं बन गया हूँ, लेकिन शायद मैं एक कामयाब डॉक्टर ना बनूँ, तो आप मुझे कुछ और करने का मौका दें। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका दिल हो। तो बहरहाल उन्होंने न चाहते हुए मुझे इजाज़त दे दी और मैं CSS करके उसी सर्विस में आ गया जिसमें मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर हैं। तो वहाँ पर फिर मैं कुछ देर काम करने के बाद फिर एक दफ़ा 15-18 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद ये भी वो जगह नहीं है जो मेरी सलाहियतों के मुताबिक मुझे काम करने की इजाज़त दे। तो मैंने एक दिन उस ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बारे में लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि आपने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो मैं फिर ये कहूँगा, ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई नजर आ रही हैं। अख़ुबत फाउंडेशन की ज़ेर-ए-एहतमाम ज़रई यूनिवर्सिटी सब कैंपस टोबा में तकरीब का इनेकास किया गया है।